मेरा चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। विनोद क्रेन ऑपरेटर ब्लॉक में आज आइए बताते हैं लोड चार्ट क्रेन का कैसे देखते हैं। आइए चलते हैं, सीखते हैं फ्रेंड। एक CMG 250 क्राउलर क्रेन का ये कार बॉडी का कॉम्बिनेशन है। इसमें तीन काउंटर बेड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें फुल काउंटर बेड है 75+21 और 65+21, 55+21 है। ये जो देख रहे हैं HB 17 मीटर से लेके ये जो पेन नीचे आ रहा है 83 है फुल बूम। ये HB बेसिक बूम 17 मीटर होता है, फुल बूम 83 मीटर तक था। एक CMG 250 क्रेन का है, जिसमें काउंटर बेड तीन होता है। देखिए इसका बूम एंगल डिग्री 82 तक होता है, लास्ट 82 डिग्री तक मेन बूम को आप कर सकते हैं। 82 के बाद आप करेंगे तो आपको कट ऑफ होने लगेगा। 82 जो दिख रहे हैं पेन के पास ऊपर में था, ये बूम है, ये क्राउलर क्रेन का बूम है। जो ये पेन चल रहा है ये बूम है, वो एंगल है ऊपर में 82 तक इसका एंगल ले सकते हैं। और ये देखिए 85 86, ये जो ये रेडियस है नीचे वाला 75 रेडियस, ये 5 10 15 जो लिखा हुआ है ये बोम एंगल का डिग्री है। ये जो पेन चल रहा है ये बोम एंगल का डिग्री है। ये 82 लास्ट है, 82 के बाद में आप लोग को कट ऑफ हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर नहीं जाना रहता है, ये मेन बूम का है। लिफ्टिंग कैपेसिटी टाइम टेबल बूम वर्किंग कंडीशन HB 75+21 टन, ये फुल काउंटर बेट का ये लोड चार्ट है, जिसमें मेरा 17 मीटर बूम रहेगा तो 4.5 मीटर का रेडियस आएगा, जिसमें 250 टन कैपेसिटी है। जो रिबिंग फाल है 18 फाल है। ये जो पेन चल रहा है ये बूम है ऊपर में, जो बूम है 50 मीटर तक जो दिखा रहा है। और ये देखिए 17 मीटर का कैपेसिटी है इतना उठाने का, और नीचे में जो है रिबिंग है हुक में 18 फाल भरना चाहिए, 18 रिबिंग होगा तो 250 टन उठाएगा, और जितना कम रहेगा उसी हिसाब से कम उठाएगा। बूम के हिसाब से हुक लगाया जाता है। अभी बेसिक बूम में 17 मीटर बूम में आप 260 टन का हुक भरा जाता है, जिसमें 18 रिबिंग होता है। 41 मीटर का ये देखिए रेडियस में दिखा रहा है इतना वेट उठाएगा। ये देखिए 36 का रेडियस में ये लोड चार्ट को आपको देखने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे देखा जाता है। ये रेडियस है 22 मीटर 24 मीटर 26 30 32 48, आगे में जो चल रहा है पेन वो बूम है 83 मीटर तक इसका बूम होता है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और विनोद क्रेन ऑपरेटर ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो फ्रेंड्स। आप लोग को वीडियो ऐसा ही आप लोग को देता रहूँगा। एक CMG 250 के लोड चार्ट के बारे में आप लोग को बताया, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये 65+21 इसमें आपको चार्ट लोड चार्ट कैपेसिटी कम हो जाता है, काउंटर वेट कम करेंगे तो अपना लोड कम उठाएगा, उसी टाइप से ये लोड चार्ट दिया हुआ है जो देख रहे हैं। इसमें रेडियस और रिबिंग ये देखिए 65 का दिखा रहा है, जिसमें 53 मीटर बूम रहेगा, 10 का रेडियस आएगा, 89.4 उठाएगा कैपेसिटी। ऐसे लास्ट में 83 ये देखिए 55+21 इसमें भी वेट कम हो जाएगा, जितना काउंटर वेट कम रहेगा उतने कम उठाएगा। फुल काउंटर वेट रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाएगा, उसी हिसाब से ये चार्ट दिया रहता है, और चार्ट के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।